चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती महिला की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बगैर जानकारी किडनी निकालने का अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। 2 मार्च को डिलीवरी के लिए 30 वर्षीय नुसरत भी भर्ती हुई थी। उज्जैन के चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला की प्रसूता के बाद किए गए बच्चादानी के ऑपरेशन में किडनी निकालने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने देर कल मतलब सुबह 12:30 बजे के करीब ऑपरेशन हुआ हमारी सिस्टर का, तो उसमें मैडम ने ये बोला था कि इसके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन है, मतलब खून का ऐसा कुछ कतला जम गया है, उसको हम निकाल देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी करेंगे, वो बच्चेदानी पूरी निकाल देंगे, ऐसा हमसे मतलब बोला मैडम ने। और ऑपरेशन के लिए लेके गई अंदर, और 2-2.5 घंटे ऑपरेशन चला। और उसके बाद मैडम बाहर आके ये बोलती हैं कि इसकी किडनी ख़राब थी, किडनी में पस पड़ गया था, तो हमें किडनी निकालना पड़ी। हमसे कोई परमिशन नहीं ली इस चीज़ की कि किडनी निकाल रहे हैं। क्या पहले कोई सोनोग्राफी वगैरह में ऐसा आया था? नहीं, कभी कोई सी भी सोनोग्राफी में नहीं आया ऐसा, पहली बार ही ऑपरेशन हुआ है। ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसकी, लड़की 3 महीने की है। कितनी उम्र है जिसका ऑपरेशन? 30 साल की है। उज्जैन के चैरिटेबल अस्पताल में एक महिला की किडनी निकाले जाने का मामला सामने आया है। गर्भ होने के बाद महिला की बच्चादानी में पस होने की जानकारी डॉक्टर के द्वारा दी गई थी, जिसके लिए एक ऑपरेशन करना अनिवार्य बताया गया। परिजन ने जब बच्चादानी के लिए ऑपरेशन की अनुमति दी तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने महिला की किडनी भी खराब होना बता दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने परिजन को किडनी खराब होने की स्थिति में निकालने की बात कही तो परिजन नाराज हो गए और मामले की शिकायत स्वास्थ्य अधिकारी को कर दी। परिजन का आरोप है कि डॉक्टरों के द्वारा उनसे ऑपरेशन के दौरान किडनी निकालने की जानकारी नहीं दी गई थी और न ही परिजन ने अनुमति दी थी। किडनी निकालने की जानकारी जैसे स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची। मामले में जांच के आदेश दिए गए और जिला स्वास्थ्य विभाग का दल देर रात को ही चैरिटेबल अस्पताल पहुंचा और उपचार के दस्तावेज जब्त किए। चैरिटेबल हॉस्पिटल में किसी महिला का ऑपरेशन करने में गायनोकोलॉजिस्ट ने उसको कोई गायनिक प्रॉब्लम था या कोई सर्जरी ऑपरेशन था, उसके लिए मुझे शिकायत मिली कि ऑपरेशन के साथ में उसकी किडनी निकाल दी, तो आप तत्काल उसका इंक्वायरी कराए। तो मैंने उनको बोला है भाई कि आप बिल्कुल अभी आप जैसा आदेश कर रहे हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए, तो रात को मैंने 10 बजे टीम बना के वहाँ पर टीम भिजवाई है। अब टीम ने अभी इंक्वायरी करके रात को आए हैं, अब रिपोर्ट मेरे पास अप्राप्त है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि किडनी निकाली है बिना पेशेंट के कंसेंट्स के और अगर कोई उन्होंने इस तरह का इलीगल एक्ट किया है, तो इंक्वायरी में अगर हमें सब कुछ लगता है और जो दोषी अगर कुछ पाया जाता है तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई करेंगे हम। क्या मैडम, ये मामला ऊपर तक भी गया है स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ से भी कोई मामला? अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे पर जो भी मुझे कंप्लेंट मिली थी मैंने तत्काल अपनी टीम गठित करके इंक्वायरी करवा ली है। कौन बनाया इस टीम का अधिकारी, कौन बनाया? हमारे यहाँ के सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर व्यास अध्यक्ष हैं, उसके उसमें हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और जो हमारी टीम के जो बाबू हैं दोनों एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को मैंने वहाँ पे नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भेजा था। स्वास्थ्य विभाग ने अब इस मामले में एक जांच दल बना दिया है जो पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है। प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा, ऐसे अस्पताल के डॉक्टरों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए जो डॉक्टरी की आड़ में इस तरह के काम कर रहे हैं। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्देश्य ये होता है चैरिटी करना। यदि इस तरह यमदूत बन के चैरिटेबल हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर ये करेंगे तो मैं समझता हूँ भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा। ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जांच में लग गए हैं, सीएम तक भी ये खबर पहुँच गई है। ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा, मैं तो न्यायपालिका को कह रहा हूँ कि संज्ञान ले लो, न्यायपालिका में बैठे देता हूँ, ऐसे मामलों में जरूर संज्ञान लिया करो। धन्यवाद। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के नजदीकी माने जाने वाले कांग्रेस नेता शरीफ खान ने इस मामले की पल पल की रिपोर्ट मंत्री तुलसी सिलावट को देने की बात कही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि इस मामले की जानकारी लगी थी, जिसके बाद हमने टीम भेजकर कार्रवाई करवाई है। कलेक्टर साहब को भी, सीएमएचओ मैडम गौली मैडम को भी कहा गया और उसकी जांच कराई। एक महिला है, गरीब है, वो प्रसूता थी, उसको कुछ इन्फेक्शन के नाम पर बुलाया गया और बाद में ये बताया गया कि उसकी किडनी खराब थी, हमने निकाल ली। हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे इस प्रकार का कई दिन से एक रैकेट कार्य कर रहा है जो इस तरह की ये किडनियाँ और ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसकी जांच कल मैडम द्वारा पूरी कराई गई है। काफ़ी डॉक्टर्स लोग आए थे, कलेक्टर साहब द्वारा भी जो है इसमें काफ़ी लिया गया है
और बराबर हम लोगों की नज़र है। माननीय मंत्री जी भी बार बार उसमें पूछ रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी पूछ रहे हैं, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई की गई है, और जो संभव इसमें हो सकता है अच्छी से अच्छी जो कार्रवाई, चाहे वो अस्पताल सील किया जाए, चाहे डॉक्टरों के खिलाफ FIR की जाए, वो सब हम कराएंगे बिल्कुल, क्योंकि किसी गरीब आदमी के साथ कोई भी अहित नहीं होने देंगे हम।